हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेज मॉडर्न इंग्लिश ऑफ कुलकुंती नगर नवादा। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 10, दैट इज ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ द ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज। गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कि कॉफ ए इज इक्वल टू कॉफ बी, देन प्रूव दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, सो टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, फर्स्ट इज डी ए बी, एंगल बी इज राइट 90 degree एंड दिस एंगल इज एक्यूट एंगल। ओके, एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज E, B, C. D, A, F and E, B, C. Students, first of all we draw two right angled triangles. Okay, first is DAF and second is EBC. So angle A present in this right angle triangle and angle B present in this right angle triangle. Okay, and both are acute angles, both are acute angles. Angle C is 90 degree, angle F is 90 degree. So given cos A is equal to cos B. Okay, cos A, so students we know that cos theta is equal to base by hypotenuse. So cos A, this acute angle और इस एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और एएफ जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और दैट इज द दिस साइड इज अपोजिट टू द 90 degree, सो एडी इज द हाइपोटेनस। ओके, और इस ट्रायंगल में, इस एक्यूट एंगल की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और इस 90 degree के ठीक सामने वाला साइड क्या है, हाइपोटेनस, और बीसी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। ओके, सो वी राइट की कॉस ए इज इक्वल टू ए एफ बाई ए डी, ए एफ बाई ए डी। ओके, ए एफ इज द बेस एंड ए डी इज द हाइपोटेनस। एंड कॉस बी, कॉस बी इज इक्वल टू बी सी बाई ई बी, बी सी बाई ई बी। ओके स्टूडेंट, सो वी राइट की ए एफ बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई ई बी इज इक्वल टू लेट के। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स, एंगल ए और एंगल बी दो अलग अलग ट्रायंगल्स में है, तो दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। ओके, एंड सिमिलर कि वी नो दैट कि टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ कंडीशन फर्स्ट कि ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंड द रेशियो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, सो
टू कंडीशन में हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम क्राइटेरिया यूज करेंगे फाइट 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 का, ओके। सो इसलिए अगर हम AF बाई AD और BC बाई EB की अगर हम बात करते हैं तो यहां AF भी इसी ट्रायंगल का साइड है और AD भी क्या है, इसी ट्रायंगल का साइड है। तो दोनों साइड, अब दोनों सेम ट्रायंगल के साइड का रेशियो है और सिमिलर करने के लिए कम से कम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों का, जैसे AF बाई BC, AD बाई BE एंड DF बाई EC होना चाहिए। इट मींस क्या कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो वी चेंज कि AF बाई BC एंड AD बाई EB, ऐसा कर सकते हैं हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ओके। फॉर स्टूडेंट्स लेट K एंड अब क्या है कि AF, AF बाई BC, तो AF बाई BC इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड का रेशियो, ओके, इज इक्वल टू AD बाई EB, AD दिस साइड एंड दिस साइड, AD बाई BE, ये दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। अब थर्ड साइड का रेशियो हमें क्या करना है, इक्वल करना है, तो लेट K, ओके। फोर स्टूडेंट्स AF बाई BC इज इक्वल टू के, फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाय AF इज इक्वल टू क्या, K इंटू BC, ओके। एंड नाउ की AD बाई EB इज इक्वल टू के, सो AD बाई EB इज इक्वल टू के, देन AD इज इक्वल टू K इंटू EB, ओके। पहले हम AF बाई BC इज इक्वल टू के और सेकंड में AD बाई EB इज इक्वल टू के, क्लियर है। चलिए नाउ DF बाई EC का रेशियो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी राइट की DF बाई EC, तो DF फाइंड द वैल्यू ऑफ DF बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी राइट की DF बराबर रूट अंडर AD स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो रूट अंडर AD स्क्वायर, AD द हाइपोटेनस, AD स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर डिवाइडेड बाई EC, EC फाइंड EC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BE स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, BE इज द हाइपोटेनस, BE स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ओके। सो दिस इंप्लाय DF बाई EC, DF बाई EC रूट अंडर AD स्क्वायर, तो AD द वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू K इंटू EB, तो वी राइट की रिप्लेस AD, वी राइट K इंटू EB, K इंटू EB का होल स्क्वायर, ओके। एंड माइनस AF स्क्वायर, तो माइनस AF, AF इज इक्वल टू K इंटू BC, तो वी राइट K इंटू BC का होल स्क्वायर, K इंटू BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय BE स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, सो BE स्क्वायर माइनस क्या BC स्क्वायर, ओके। सो वी राइट K स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर BE स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। एंड के स्क्वायर इज कॉमन, के स्क्वायर इज कॉमन, तो देन बी राइट की बीई स्क्वायर और माइनस क्या बीसी स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर बीई स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, ओके। एंड बी राइट के स्क्वायर, तो के हो जाएगा इसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर इंटू बीई इंटू बीसी स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर इज कॉमन,
ओके के एफ स्क्वायर इज कॉमिंग, तो रेफ्ट इज बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी एफ स्क्वायर, तो के रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी एफ स्क्वायर इज कैंसिल, ओके एंड रेफ्ट इज के. फॉर स्टूडेंट्स हियर कि डीएफ बाई ई सी, डीएफ बाई ई सी इज इक्वल टू क्या, के, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, ओके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू वी राइट कि एफ बाई बी सी, आर एच एफ इज इक्वल देन एल एच एफ इज ऑल्सो इक्वल, सो वी राइट कि एफ बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई ई बी, ए डी बाई ई बी इज इक्वल टू डी एफ बाई ई सी, ओके. सो अब स्टूडेंट्स लुक केयरफुली, सो ए एफ बाई बी सी तो ए एफ बाई बी सी, ए डी बाई ई बी तो ए डी बाई ई बी एंड डी एफ बाई ई सी, ओके. सो ऑल क्रॉस द रेशियो ऑफ ऑल क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ ऑल क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ द क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस बोथ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल और इक्वल, ओके. देन वी से दैट कि ट्राइंगल डी एफ ए, डी ए एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई बी सी, ई बी सी, ओके. एंड द ट्राइंगल बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, देन बी से दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ओके. देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ओके स्टूडेंट. स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन इवैल्यूएट 2 sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta minus 9 cos theta. Okay. So students, we find the value of sin theta and cos theta. So sin theta is given. Okay. Then find the value of cos theta. So students, let's start solution. So we know that sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1. ओके, सो साइन सॉरी सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस एंड द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इज 12/13, ओके. सो 12/13 का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 144/169, क्लियर. सो टेक एलसीएम 169 and 169 minus 144 that is 25, okay, 25 by 169. For student cos theta is equal to रूट अंडर 25/169 दैट इज 5/13, ओके. सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस 5/13 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13. पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इन दिस एक्सप्रेशन, ओके. तो माय एक्सप्रेशन इज 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 माइनस 3 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 5/13 डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा, 4 मल्टीप्लाई 12/13 एंड माइनस 9 मल्टीप्लाई 5/13, ओके. सो 12 2 24/13 माइनस 5 3 15/13, ओके. सो 12 4 48/13 एंड माइनस 45/13, ओके. फॉर स्टूडेंट टेक एलसीएम ऑन अपर साइड 13 एंड द 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाई, टेक एलसीएम 13 एंड द 48 माइनस 45, ओके. सो वी राइट कि 24 माइनस 15 9 ओके 9/13 एंड डिवाइडेड बाई 48 माइनस 3/13
फॉर स्टूडेंट 9/13 मल्टीप्लाई 13/3, 13 इज कैंसिल और 3 जा 9, फोन फॉर इज 3। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, देन प्रूव दैट कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। ओके फॉर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा, एंड गिवन इज कि sin थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। ओके सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन sin थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द cos थीटा। ओके सो cos थीटा वी नो दैट कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन वी राइट कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin थीटा दैट इज a बाई b का होल स्क्वायर। ओके सो 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, सो टेक एलसीएम b स्क्वायर, सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके सो स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो बी राइट कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। ओके सो कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इज दिस। फाइंड सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, वी नो 1 बाई cos theta, तो 1 by cos theta that is 1, and value of cos theta is root under b square minus a square by b, root under b square minus a square by b, so we write कि b by root under b square minus a square, okay, the value of the sec theta and the tan theta is equal to sin theta by cos theta, okay. Tan theta is equal to sin theta by cos theta. Sin theta, the value of sin theta is a by b, and divide cos theta is equal to root under b square minus a square by b. Okay, for students a by b divides change in multiplication, and the reciprocal of this b, b square minus a square, b b is cancelled, that is a by root under b square minus a square. Okay, this is the value of tan theta. For students, from LHS, sec theta plus tan theta, sec theta plus tan theta, the value of sec theta is equal to b by root under b square minus a square, plus tan theta is equal to a by root under b square minus a square. Okay. So take LCM, root under b square minus a square, and that is b plus a. Okay. So students, we write ki b plus a is equal to here. B plus a is equal to root under b minus a into b plus a. Okay. So b plus a by root under b minus a and root under b plus a. So b plus a, b plus a, root under b plus a, because ki root 3 divided by root 3. So root 3 se root 3 bar mein katega ye 3. So isi anusar b plus a is whole and root under b plus a. तो रूट अंडर बी प्लस ए, बिकॉज की रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए, सो हियर रूट अंडर बी प्लस ए और बाई बी माइनस ए। ओके दैट इज आरएचएस।